छत्तीसगढ़ राज्य सहित आसपास के राज्यों में चोरी की दर्जनों वारदातों को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करने में बिलासपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गिरोह का खुलासा करते हुए 3 साथी चोरों को अपनी गिरफ्त में लिया है और आरोपियों के पास से 10 तोला सोना, 500 ग्राम चांदी, 3 मोटरसाइकिल, मोबाइल और घटना में इस्तेमाल किए जाने वाले लोहे की रॉड समेत कुल 6 लाख का माल जब्त किया है। छत्तीसगढ़ सहित आसपास के राज्यों में चोरी की दर्जनों वारदातों को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करने में बिलासपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गिरोह का खुलासा करते हुए 3 साथी चोरों को अपने गिरफ्त में लिया है और उनके पास से 10 तोला सोना, 500 ग्राम चांदी, 3 मोटरसाइकिल और घटना में इस्तेमाल लोहे के रॉड सहित कुल 6 लाख का माल जब्त किया है। सभी आरोपी मध्य प्रदेश के बिजूरी कोतमा जबलपुर के रहने वाले हैं। पुलिस कप्तान अभिषेक मीणा ने खुलासा करते हुए बताया कि यह गिरोह काफी लंबे समय से छत्तीसगढ़ और सीमावर्ती राज्यों में लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था। इस गिरोह के खिलाफ बिलासपुर में 8 और अन्य राज्यों में 16 प्रकरण सहित कुल 24 मामले दर्ज थे, जिनकी तलाश में जुटी बिलासपुर पुलिस को उस समय सफलता मिली जब उसलापुर रेलवे स्टेशन में 2 संदिग्ध लोहे की राड के साथ दिखे। पुलिस ने जब दोनों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो बदमाशों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने एक खरीदार को गिरफ्तार कर चोरी के माल को बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल दाखिल कर दिया है। बिलासपुर से अजीत मिश्रा की रिपोर्ट, ACN 24।